गोरखपुर लोकसभा सीट पर सपा का जमीनी जिताऊ प्रत्याशी घोषित। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में गोरखपुर लोकसभा सीट पर काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। काजल निषाद जिस तरह से गोरखपुर लोकसभा सीट पर जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिस तरह से गोरखपुर की जनता से जुड़ रही हैं, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि काजल निषाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही थी, उसी टाइम उन्हें हार्ट अटैक आ गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा गया, उनका इलाज हुआ। काजल निषाद अभी स्वस्थ हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़ा फैसला लिया है, काजल निषाद को गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। काजल निषाद ने गोरखपुर लोकसभा सीट पर खूब पसीना बहाया है। 2024 लोकसभा चुनाव में काजल निषाद ने खूब मेहनत की है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन की गोरखपुर लोकसभा सीट पर मुश्किलें बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जल्द ही गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, काजल निषाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जिस तरह से जनसभाओं में भीड़ आ रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीतेगी।